The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, बातचीत करना चाहेंगे हम कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट पे। जी हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी दावे कर रहे हैं इंटरनेट पे कि हमारे पास इलाज है। दुख की बात यह है कि हमारी जनता को फिर भी इतना जनरल नॉलेज भी नहीं है कि वायरस के लिए कोई खास इलाज नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं आती है। एक वायरस एक नॉन लिविंग थिंग होती है। दुख की बात यह है कि इसीलिए सही मेडिकल जानकारी, बेसिक मेडिकल हेल्थ की जानकारी नहीं होने के अभाव में कोई भी हमारा फ़ायदा उठा लेता है। कोविड 19 एक इन्फेक्शन है जिसमें एक कोरोना वायरस है, उसका नया वेरिएंट है जो कि फैल रहा है, जिसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं। और ये बहुत सारी कंट्री, 100 से ज़्यादा कंट्री उसमें बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इंडिया में इसके काफ़ी सारे केसेस हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। सिम्टम बहुत सिंपल है, खांसी, बुखार और सांस फूलना, कमज़ोरी होना। ये सिंपल फ्लू में भी होता है या कोरोना वायरस में भी होता है। सो सभी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको सांस फूलने लगे उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। जिनको सिर्फ खांसी बुखार है, थोड़ा बहुत बलगम है या थोड़ा बहुत थकावट है, वो अपना प्रिवेंशन करे। प्रिवेंशन के बारे में हजारों बार बता चुका है। अब हो गई आपको बीमारी, आपको हो रहा है, सांस फूल रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो क्या ये कोरोना वायरस है? अगर आपका टेस्ट हो गया, कोरोना वायरस पकड़ा गया कि ये कोरोना वायरस आ गया है, तो आपका क्या ट्रीटमेंट होगा? बात ऐसी है कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो कोई प्रिवेंशन नहीं है और वैक्सीन अभी आई नहीं है, अगले साल तक आएगी। और एंटीबायोटिक, किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होता है, एंटीवायरल वायरस के लिए होता है, ठीक है? तो इस इंफेक्शन में सिर्फ बहुत सीवियर केसेस अगर हो जाते हैं, किसी पेशेंट की हालत ज्यादा खराब होने से, उनको खुद की इम्यून सिस्टम जब बहुत ज्यादा बैठ जाती है, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या कभी कभी उनके खुद के अंदर की नॉर्मल फ्लोरा वाले बैक्टीरियाज हावी होने लगते हैं। और ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है पिक्चर, कई बार उसके वजह से डेथ हो जाती है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ये कारण है एंटीबायोटिक्स देने का। और पायरेक्सिया को मैनेज करना होता है, बुखार आपका दोस्त होता है, बुखार को मैनेज करना होता है, बुखार को हमेशा मार देना नहीं होता। इसलिए पानी खूब सारा पियेंगे तो भी बुखार मैनेज होता है, रेस्ट करेंगे, एक प्लेन सिंपल पैरासिटामोल लेना है, ताकि बुखार जो है आपका फिर भी आएगा लेकिन कम रहेगा, इतना रहेगा कि आप काम पे काम अपने कर पाओ, रिलैक्स रह पाओ, ना कि अगर आपका 103, 104, 105 बुखार चला जाता है तो आपके कई बार 106 पे दिमाग पे भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है, बॉडी गर्म होती है, बॉडी फाइट कर रही होती है वायरस से। दवाइयाँ लेनी है, मेडिकेशन टू रिड्यूस एंड मैनेज फीवर, प्लेन सिंपल पैरासिटामोल इस पे काम करेगी, कोई डिस्प्रिन एस्प्रिन नहीं लेनी है। पैरासिटामोल का डोज उम्र के वजन के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। और अगर सांस फूल रही है तो ऑक्सीजन लेना होता है, अस्पताल में भर्ती होके ऑक्सीजन की थेरेपी दी जाती है। जो लोग इस ट्रीटमेंट से भी आगे बीमार होते जाते हैं, जब वायरस इतने ज़्यादा मात्रा में हावी हो जाता है, उनको कई बार वेंटिलेटर, रेस्पिरेटर जैसी मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, वो फिर ICU में भर्ती होके वेंटिलेटर पर डाला जाता है। और उसके बाद फिर जब कोई पेशेंट जिसको बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जब कोई पेशेंट जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है, कोई पुरानी क्रोनिक डिबिलिटेटिंग बीमारी है, का लंग कैंसर है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हार्ट कमज़ोर है, या वीक इम्यूनिटी है, बहुत बीमार चलते हैं, तो उन पेशेंट्स को फिर और ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उनको बचाव नहीं कर सकते। इसीलिए कई सारे रिसर्चेस चल रहे हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में, इसमें ह्यूमन पे भी ट्रायल्स हो रहे हैं, और इस चीज़ को कई महीने लग जाएंगे लंबे समय में कन्फर्म होने के लिए कि कौन सी दवा एक्चुअली में कुछ मदद कर सकती है उन सीरियस पेशेंट्स में। हर पेशेंट में इन दवाओं को नहीं दिया जाता, सिर्फ उन सीरियस पेशेंट्स में जो के हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनको फिर एक एक्सपेरिमेंटल दवाइयां जो के
कई दूसरी बीमारियों में कारगर हुई थी, जैसे कि इबोला। इबोला और ज्यादा एक डेंजरस वायरस है, जो पहले हुआ था उसमें 60% मॉर्टेलिटी रेट था, जिसको हुआ 60% मरेगा। उसमें रेमडेसिविर करके एक्सपेरिमेंटल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवा थी जो वहां पे डिजाइन की गई थी इबोला के लिए। इसमें एक नोवेल कोरोना वायरस के आइसोलेटेड सेल्स के अंदर कुछ पेशेंट्स में इसमें फायदा देखा गया है, रिकवरी देखी गई है, तो इसीलिए इसको यूज करा जा रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है। अब आपको ये देखना है कि ऐसे कई सारी चीज रिसर्च और चल रहा है, हर पेशेंट के लिए प्रोटोकॉल में नहीं है, ये कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है ह्यूमन में, ये रिसर्च चल रहा है, राइट। सेम कोई ट्रीटमेंट जब सेफ हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तब वो फिर FDA अप्रूव करती है आगे चल के। क्लोरोक्विन नाम की एक दवा है जो कि मलेरिया को और ऑटो इम्यून डिजीजेस को फाइट करती है, और इसको 70 साल से ज्यादा से लिया जा रहा है, इसको काफी हद तक सेफ माना जाता है। रिसर्चर्स ये देख रहे हैं कि ये भी सार्स कोवी-2 पे, कोरोना वायरस पे इफेक्टिव दिख रही है। एटलीस्ट 10 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं जो इस दवा को, क्लोरोक्विन की इफेक्टिविटी को देख रहे हैं नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ। इसके अलावा लोपिनाविर, रिटोनाविर, ये दो ऐसी दवाइयां हैं जो HIV एड्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। साउथ कोरिया में एक 54-year-old मैन था, उसको ये कॉम्बिनेशन दिया गया था और उसका वायरस का लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो गया था, कोरोना वायरस का, साउथ कोरिया में। इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनको एक्चुअल सीरियस बीमारी हो रही है, उसमें HIV की मेडिसिन भी ट्रायल में है, उस पर भी रिसर्च चल रहा है, राइट। इसमें बेनिफिट्स आ सकते हैं, तो रिसर्च आगे चल के बताएगा इसके साइड इफेक्ट्स है या नहीं। इसके अलावा APN-01 ये भी एक क्लिनिकल ट्रायल है जो चाइना में हो रहा है। ये दवा है APN-01 जो कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ अर्ली 2000s में डेवलप हो गई थी। इसको प्रोटीन है इसमें एक ACE2 जो के सार्स इन्फेक्शन जो पहले हुआ था उसके खिलाफ बनाया गया था। अब ये SARS-2 है, SARS-CoV-2, इसलिए इसके खिलाफ भी इस एंटीबायोटिक को यूज करने की कोशिश हो रही है। इस पर भी रिसर्च चल रहा है कि 2000 इसमें ACE2 जो बॉडी है उसमें रैंडमाइज ट्रायल में, कई सारे ट्रायल चल रहे हैं, 24 से ज्यादा पेशेंट को एक हफ्ते दिया था, तो आधे पेशेंट्स जो ट्रायल में थे, जो ड्रग ले रहे थे, और उसमें आधे लोगों को दवाई दी, आधे लोगों को प्लासीबो दिया। अभी ये देखा जा रहा है कि इसका कितना फायदा आ रहा है, कितना किसको फायदा होगा। सो इन सब दवाइयों पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल चल रहा है। एक और दवा है जिसका चाइना इस्तेमाल कर रही है, फाविलाविर, ये चाइना में अप्रूव कर दी गई है। फाविलाविर चाइना में अप्रूव कर दी गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वायरस। इसमें बेसिकली ये दवा को नाक और गले के, थ्रोट के इन्फ्लामेशन के लिए बनाया गया था, एक सिंपल एलर्जिक फ्लू के लिए भी बनाया जा सकता है। ऑल्दो इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अभी आए नहीं है बाहर कि कितना ज़्यादा रिजल्ट है, लेकिन क्योंकि इसकी सेफ्टी लेवल देख के इसको यूज़ किया जा रहा है, और इसमें भी काफ़ी सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल चल रहे हैं, 70 से ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, हर एक दवा का जो पॉसिबल मेडिकेशंस हो सकती है उनका क्योर ढूंढा जा रहा है कि कौन सी दवा बेटर इसको क्योर करेगी। ऑल्दो एंटीवायरल्स जो होती हैं ये वायरस को ज़्यादातर रोक देती हैं, ज़्यादातर वायरस को मारती नहीं है, मारती आपकी इम्यून सिस्टम खुद है, कोई भी एंटीवायरस हो तो। इसलिए आपको खुद के इम्यून सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है, घर पे रहना ज़रूरी है, प्रिवेंशन करना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी दवा कि आपको कब दवा चाहिए, व्हेन डू यू नीड मेडिकल केयर, ये समझना ज़रूरी है। हर एक जिसको एक बार छींक आ गई, एक बार खांसी आ गई, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, माइल्ड सिम्टम है, तो आपको सिर्फ अपने आप को अलग थोड़ा रखिए, अपने आप को अलग मतलब अपना आइसोलेशन रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए ऐसे लोगों से जिनको हो सकता है, मास्क पहन के रखिए लोगों से बात करने से पहले, अगर आपको सिम्टम है, हाथ अच्छे से धोइए अपने, और
मुंह को हाथ ना लगाएं, ये आपने करना है। ओल्डर एडल्ट हैं जिनको अंदर अंडरलाइंग बीमारी है, कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, इनको अपने डॉक्टर के रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना है। जा जाके अपना रेगुलर चेकअप कराइए, बीमारी को बढ़ने से पहले डायग्नोस करके तुरंत से तुरंत इलाज रखिए, ताकि वो अपने आपकी जो अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है उसको कंट्रोल में रखें डॉक्टर्स। सो अपने डॉक्टर से जाके मिले, बात करें कि मैं कैसे और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको घर में हो प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल रहा है तो एम्स की हेल्पलाइन नंबर को कॉल करें, उनसे अपनी बात कर सकते हैं। बाहर हैं, इंडिया से बाहर है, तो 911 जो भी नंबर आपका मेडिकल अटेंशन वाला है वहां कॉल करें, अपनी जिज्ञासा सॉल्व करें। लेकिन गलत धारणाओं में मत आइए कि भाई यही दूसरा ही कुछ वो है, यही इलाज है या ऐसा ही है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको होगा तो आप मर ही जाओगे, कतई भी नहीं। यंग आदमी, यंग इंसान, बल्कि 40-50 के नीचे बहुत ही कम 0.3% चांस होता है कि आपको कोई मेजर ऐसी बीमारी होगी जो जान ले पाएगी। सो इतने कम चांसेस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में अपना प्रिकॉशन नहीं रखा तो उन लोगों को ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन हो जाएगा जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो ऑलरेडी अंडरलाइंग हेल्थ बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है जो आपको करना है। सो ये ट्रीटमेंट है कोरोना वायरस का, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। नेचुरल चीजों में विटामिन सी और जिंक इसके खिलाफ काम करते हैं, जो प्रूवन है। और पानी, पानी आप चाहे नारियल पानी पियो, चाहे नॉर्मल पानी पियो, चाहे नींबू पानी पियो, चाहे छाछ पियो, पानी पानी, लिक्विड लिक्विड है, खूब सारा लिक्विड लेना है बॉडी को डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए। सो बेसिक्स पे काम करें। फ्रूट्स हमेशा अच्छे होते हैं, वेजिटेबल हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ले लिया तो फिर कोरोना हो नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर द डिजीज, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।